जो मूलभूत सुविधा है, रोड, बिजली, पानी की समस्या जो आज भी वहाँ पर लोग उस मुद्दे पर आएंगे। विधायक भी बनाया था, मंत्री भी बनाया था, उनकी सरकार ही नहीं मानती उनको, सरकार ने बदल दिया उनको। सुनील सोनी वर्षा का आश्रम है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समय मोदी की गारंटी का कोई अर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद हटा दिया, ब्रिजमोहन को अभी भी धोखा है। लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी दमदारी और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम दक्षिण विधानसभा जीतेंगे। वो हार मान चुके हैं तभी अपने अपने आप को दाम लगा रहे हैं। ब्रिजमोहन वाल जी जो है, ये पहले बता दें कि वो कहां से है, मेरा गांव कहां पर, उनका गांव कहां पर है, बाहरी लोगों से मिलता है। एक तरफ निष्क्रिय चेहरा और दूसरी तरफ युवा और सक्रिय चेहरा, ये हम लोग ने काम आए। राजधानी रायपुर में दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी के बाद गुरुवार को कांग्रेस के युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा ने अपना नामांकन भरा। नामांकन रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद रहे, जहां उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और कांग्रेस के युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा से खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। हमारे साथ दीपक बैज भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते। सर, एक तरफ अनुभवी चेहरा भाजपा ने उतारे, दूसरी तरफ आपने युवा को उतारा, एक नया उम्मीदवार है, क्या कहेंगे इस विषय में? कहां से अनुभवी चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का निष्क्रिय चेहरा है। दो दो बार महापौर सांसद को देख लिए, उन्होंने एक काम भी नहीं किया है। इसलिए इस समय वहाँ की जनता चाहती है कि वहाँ बदलाव होना चाहिए। इसलिए इस समय हमारे पास युवा चेहरा है, युवा जोश है और मेहनत करने वाला चेहरा है, व्यवहारिक चेहरा है। इसलिए इस समय जो है ना, एक तरफ निष्क्रिय चेहरा और दूसरी तरफ युवा और सक्रिय चेहरा, ये हम लोग ने काम आएगा। आकाश शर्मा को बाहरी बताया जा रहा है, क्या समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है सर, क्या करने का इरादा है इस वक्त? देखिए, ये डर है, सीधा सीधा हार के डर की वजह से इस तरह की बयाने आ रही है। क्या आकाश शर्मा छत्तीसगढ़िया नहीं है क्या? क्या आकाश शर्मा के खून में छत्तीसगढ़ी नहीं है क्या? संस्कृति नहीं है क्या? बोली भाषा नहीं है क्या? तो ये डर है साफ साफ। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आकाश शर्मा राजस्थानी तो नहीं है, छत्तीसगढ़िया है। ये डर है, डर की भाषा बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चाहे कुछ भी बोल ले, उनके पास मुद्दा नहीं है। लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी दमदारी और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम दक्षिण विधानसभा जीतेंगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं मैं परमानेंट विधायक हूँ, क्या भाजपा के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या सुनील सोनी के ऊपर विश्वास नहीं? देखिए, इससे सीधा सीधा सुनील सोनी के ऊपर जनता का भरोसा नहीं है, नंबर चीज। अगर अभी भी मैं विधायक हूँ अगर बोल रहे हैं, अभी भी मंत्री अगर समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ सीधा सीधा है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। इसलिए अपना चेहरा को लाकर सामने आकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस समय दक्षिण की जनता विधायक चुनने जा रही है और वो विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी नहीं है, और वो नया विधायक चुनना चाह रहे, युवा विधायक चुनना चाह रहे, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो इनका दीपक बैज जी का कहना है कि दक्षिण की जो जनता है वो नया विधायक चुनना चाह रही है और वो युवा चेहरा चाह रही है। जो भाजपा के प्रत्याशी है उनको ये निष्क्रिय बता रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा एक अलग तरीके का समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में दक्षिण विधानसभा की जो सीट है उस पर जीत हासिल कौन सी पार्टी करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा हटा दिया, ये तो चुनाव क्यों होता, उसको तो जिताई थी जनता। भारतीय जनता पार्टी ने खुद हटा दिया, ब्रिजमोहन का अभी भी धोखा है, कोई चेहरा है, वो चेहरा हट चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद हटा दिया, मिटा दिया उस चेहरे को। वादे किए थे तो विजय बघेल जी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने क्या होता है घोषणा ये बोले हैं, तो समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समय मोदी की गारंटी का कोई अर्थ नहीं है। हार मान चुके हैं, इसका मतलब वो हार मान चुके हैं तभी अपने अपने आप को दाम लगा रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी चेहरे हटा दिया है। तो सुनील सोनी के बाद आज आकाश शर्मा ने भी अपना नामांकन भर दिया है, आइए बात करते हैं उनसे। भाजपा की अजय सीट है, क्या रणनीति है आकाश शर्मा की? दक्षिण के विधानसभा के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, दक्षिण विधानसभा के जो ज्वलंत लोकल मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे और जो है वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है, रोड, बिजली, पानी की समस्या जो आज भी वहाँ पर लोग उस मुद्दे पर आएंगे और एक अच्छा चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि मुझे विधायक मान के वोट दीजिए, क्या कहेंगे इस बात पे? क्या भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है?
अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है हम तो विधायक नहीं भी रायपुर दक्षिण जनता ने उनको इतना मत जिताया था, विधायक भी बनाया था, मंत्री बनाया था, उनकी सरकार ही नहीं मानती, उनको सरकार ने बदल दिया, उनको उनकी सरकार ने दोनों जो है उनको बोल दिया, एक जगह को हटा दिया कि मंत्री से हटा के दिल्ली भेजा, एक जगह को निष्क्रियता के आधार पर टिकट काट दिया, तो हमें जनता ने जिताया था, तो अब चुनाव सुनी सुनी लड़ रहे हैं जिसका टिकट आप लोगों ने दो महापौर काटा है कि निष्क्रियता के आधार पे, अब चुनाव सुनील सोनी वर्षा का आश्रम है। जी, एक और सवाल है सर आपसे कि ब्रिजमोहन सर आपको बोल रहे हैं कि आप बाहरी हैं, दूसरी तरफ आप उनका उनके पैर पड़ रहे हैं, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? संस्कार है और ब्रिजमोहन वाल जी जो है ये पहले बता दें कि वो कहाँ से है, मेरा गांव कहाँ पर, उनका गांव कहाँ पर है, बाहरी लोगों से मिलते हैं, जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़िए, जनता के मुद्दे पर बात कीजिए। तो ये थे हमारे साथ आकाश शर्मा जिनका कहना है कि दक्षिण विधानसभा की का जो चुनाव है वो जनता के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, पहले वो ब्रिजमोहन जी खुद बता दे कि वो कहाँ किससे हैं जो हमें बाहरी कह रहे हैं। तो ये थे आकाश शर्मा जो आज पूरे दल बल के साथ यहाँ नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। अब देखना ये होगा कि दक्षिण विधानसभा में किसकी जीत होती है और क्या कांग्रेस इस बार बीजेपी के अजय सीट जिसे दक्षिण विधानसभा सीट कहा जाता है उसे भेद पाती है या नहीं भेद पाती है। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज प्लस 21।